देखो जो तुमने कहा मैंने वो सब किया, पर मैं अब ये सब नहीं करूँगा क्योंकि ये सब बहुत रिस्क वाला काम है और मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है। तुम समझ रहे हो ना जोकर? मैंने तेरे को छोटा सा काम दिया था पर तू वो भी पूरा नहीं कर पाया। मैंने तेरे को कहा था ना मिनिस्टर को मार दियो और तभी अपनी शक्ल दिखाइयो, पर तू भी मेरे किसी काम का नहीं है। छोड़, अब क्या फायदा ये सब भूल के, क्योंकि अब तो तू मरने वाला है। प्लीज जोकर, प्लीज मुझे मत मारो। मैंने पूरी कोशिश करी मिनिस्टर को मारने की, पर उसकी बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है इसलिए मैं उसको नहीं मार पाया। रहने दे, तेरे बस की वैसे भी नहीं थी। तुम लोग सुनो, कल मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे शाम तक मिनिस्टर की मौत की खबर चाहिए, समझ गए? जी बॉस। कल शाम को मिनिस्टर बॉम्ब के साथ मर गया, तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से क्यों नहीं करते तुम लोग, हैं? सर, हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं और हमें खुफिया रिपोर्ट के साथ ये पता चला है कि ये जोकर का काम है। जोकर के जो वेपन्स हैं, मिनिस्टर साहब ने वो इरेंगल में बैन कर दिए थे और उसके जो वेपन्स यहाँ पे बिक नहीं रहे थे तो जोकर ने उनको मरवा दिया। मुझे ये जोकर जिंदा चाहिए और इसको पकड़ने के लिए कोई बहुत ही अच्छा एजेंट चाहिए होगा। किसी की नज़र में कोई एजेंट है तो मुझे बताओ। सर, मेरी नज़र में एक एजेंट है, वो बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर है, वो एकदम ठीक रहेगा जोकर को पकड़ने के लिए। उसका नाम क्या है? एजे। उसको फोन लगाओ और यहाँ पे जल्दी से जल्दी बुलाओ। ठीक है सर। जी सर, बोलिए। एजे, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है, जल्दी से तुम हेड ऑफिस आओ। सर, मैं अभी आता हूँ, जब तक के लिए आप फोन रखिए, मैं यहाँ पे बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। ठीक है, और अपनी यूनिफॉर्म में आना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अफसर हैं। ठीक है सर। क्यों बे, इतने सारे आदमी देख के तेरी फट गई? तू हमें मारने आया था ना इधर, अब मार के दिखा। अबे तुम लोगों को लगता है तुम मेरे ऊपर एम करके खड़े हो तो तुम लोग बच गए? ये तुम गलत सोच रहे हो बेटा। दोस्तों, इनको जरा नमूना दिखाओ। हाँ भाई, थोड़ा पीछे पलट के देखो अपने। अबे ये तो तेरे आदमी है। हाँ बेटा, हम वही तो कह रहे हैं, ये लोग तेरे लिए 3 हफ्ते से काम कर रहे हैं और तूने इनकी डिटेल्स भी नहीं निकाली। अबे जा बे, काहे का गुंडा है रे तू। अब जल्दी बता दो, प्यार से जेल चलोगे या घसीट के ले जाऊं? तुम लोग कुछ भी कर लो पर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, पर बदले में तुझे कुछ तोहफा देना है, ये ले। कर दी ना गलती। चलो अच्छा हुआ हमेशा के लिए पीछे छूटा, और कोई डिपार्टमेंट का आदमी पूछे ना कैसे मरे तो उनको बोल देना सस्ता नशा करे थे और आपस में लड़के मर गए। ठीक है? ठीक है बॉस। इतनी देर हो गई, तुम्हारा एजेंट अभी तक आया नहीं? सर अभी बस आता ही होगा। जय हिंद सर, मैं आ गया। और सर तुम भी इधर हो, सैलरी वैलरी बढ़ाई कि नहीं तुम्हारी इन्होंने? अभी मजाक मत कर। जी सर बोलिए, क्या काम है? तुमने सुना ही होगा मिनिस्टर साहब बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुके हैं और उसमें जोकर का हाथ था, तो हमको जोकर जिंदा चाहिए और उसको तुम पकड़ के लेके आओगे। ठीक है सर, मैं पकड़ लूंगा। उसकी कुछ डिटेल्स फाइल्स वगैरह कुछ तो दो। कोई डिटेल्स नहीं है, तुम सिर्फ पावर रेंजर की हेल्प ले सकते हो, वो डिपार्टमेंट में हमारे लिए बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है सर, मैं समझ गया। भाई ये रेड रेंजर चीटिंग करके खेलता है लीडो, देखो अपनी गोटी इसने आगे बढ़ा दी। हाँ भी साला चीटिंग करता है, साले अगली बार से गेम नहीं खिलाऊंगा तुझे। अबे तुम लोग क्या कर रहे हो बेटा, लीडो खेल ले। और एजे भाई क्या हाल है यार, लॉकडाउन लगा था तो सोच रहे थे हम तीनों लूडो ही खेल लेते हैं। और बताओ कैसे आना हुआ? सुनो, जोकर का जो केस है ना मुझे दिया गया है, उसकी कुछ डिटेल्स चाहिए, तुम बता सकते हो ये जोकर मुझे कहाँ से मिलेगा? जोकर का केस काफी टफ है, पर मुझे एक बंदे का पता है जो जोकर के साथ पहले काम करता था, उसका नाम है एंडी, वो यासना में तुम्हें मिल जाएगा, वो उसका घर वहीं पे है। और संभल के जाना, वहाँ पे बदमाश लोग भी बहुत रहते हैं जो उसके लिए काम करते हैं वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू यार इतना बताने के लिए, सरकार से बोलूंगा तुम्हारा भी प्रमोशन कर दे। प्रमोशन हो जाए तो ठीक है, चलो ठीक है बाय। हाँ भाई, मेरी गोटी किधर थी?
अरे घर पे कोई है? अरे है कोई घर पे? अरे ऊपर से क्या देख रहा है, नीचे आके दरवाजा खोलता क्यों नहीं है? अबे चले जा, मैं पुलिस वालों से बात नहीं करता। वो देखो रे, ये पुलिस वाला यहाँ पे क्या कर रहा है? हुई पीछे पलट पहले। अबे तुम लोग कौन हो बे? साले हमारे एरिया में पुलिस वालों का आना मना है, तुझे पता नहीं है? अच्छा तुम कहीं के दादा हो बे? और क्या, हमको दादा ही समझ लो। तो फिर एक काम करो, गोलियां खाओ फिर तुम मेरे हाथों। अगली गोली तेरे को मारूंगा ऊपर चढ़ के, जल्दी से नीचे आ जा। भाई आ रहा हूँ यार, एक सेकंड। भाई लो आ गया मैं। हाँ चल बाहर आ जल्दी से। अब जल्दी से मुझे जोकर का पता बता, कहाँ मिलेगा? भाई देखो मैंने जोकर के साथ काम किया हूँ, पर मुझे इतना नहीं पता भाई वो कहाँ रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो जोकर कहाँ रहता है। जल्दी से बता। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे सच सच बता जल्दी से, वरना अगली गोली तेरे सर में मारूंगा। रुको भाई रुको, गोली मत चलाना, मैं आपको बताता हूँ। जो जोकर का लेफ्ट हैंड है ना, वो आज मिल्टा में पार्टी करने वाला है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। उसको तुमने पकड़ लिया तो समझ लो जोकर को तुमने पकड़ लिया। वो तुम्हें पूरी डिटेल बता देगा, जोकर कहाँ रहता कहाँ नहीं। बस प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना प्लीज़। ठीक है ले, छोड़ दिया। इसकी पेटी को शांति देना भगवान। वे मेरी बात सुन, आज क्लब बंद है, आज हमारे बॉस का बर्थडे है, तो पूरा क्लब बॉस ने बुक कर रखा है, तो यहाँ से निकल ले चुपचाप। ठीक है भाई ठीक है, जा रहा हूँ। भड़क क्यों रहे हो यार इतना? हाँ तो जल्दी निकल। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, कोई सा हिलना नहीं चाहिए वरना गोली मार दूंगा। सब अपनी जगह पे खड़े रहो। ओए शांत हो जाओ ए, अबे इसको कोई मुक्का मारो बे। यहाँ पे देख, यहाँ पे कट्टा ले रखा है। लड़कियाँ बाहर निकलो सारी। हाँ बे चल, तेरे से पर्सनल बात करता हूँ। जल्दी बता मुझे जोकर किधर मिलेगा? अबे जोकर चाहिए तो जाके सर्कस में देखना, वहाँ मिलेगा। मजाक नहीं कर रहा, मुझे जोकर चाहिए, तेरा बॉस कहाँ पे है वो? मुझे नहीं पता। झूठ बोलता है ये ले। अब लास्ट बार पूछूंगा कहाँ मिलेगा जोकर, अगर नहीं बताया तो गोली मार दूंगा। सुन जोकर मेरा मार में है, जहाँ पे गोल्डन मिराडो मिलती है वहीं पे तुझे मिल जाएगा, पर मुझे छोड़ दे। क्यों नहीं? तुम लोग सुनो, सेफ्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। यही सही मौका है, सालों पे अटैक कर देता हूँ। ना पुलिस वाले अपनी जगह से हिलियो मत तू, वरना गोलियों से भून दिया जाएगा, समझ रहा है? एक ही जगह पे खड़े रहे, हिलियो मत वहां से।
और पुलिस वाले मुझे पकड़ने आया था इधर, मुझे पहले ही पता था यहाँ पे कोई अटैक होने वाला है, इसलिए मैंने पूरा इंतजाम कर रखा था। अब तेरे सारे दोस्त मरने वाले हैं, क्या करेगा रे तू, रोक लेगा मुझे हैं? कर दी ना भूल। क्या मतलब? जोकर बेटा, तेरा इंसाफ तो रेंगल की सरकार करेगी। चल बे, लेके चलते हैं इसको और वहीं पे जेल में चढ़ाएंगे साले को।